हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हम 10th चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन चल रही है। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 10.5, और उसके भी आपके क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने करवा दिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से पढ़नी है। सुनो भी क्या कहता है। कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कहता है एक ट्रायंगल बनेगी फॉर्म बाय द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ट्रेंगल की एक साइड के लिए तो कौन काम करेगा, एक्स एक्सिस की जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो, एंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट नॉर्मल हमने 8th चैप्टर में पढ़े थे, वो भी स्ट्रेट लाइन ही होती हैं। टू द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 एट माइनस 1 टू रूट टू। ध्यान से सुनो, जो टेंजेंट नॉर्मल है वो इस पॉइंट पे है। सबसे पहले बात आती है, हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। याद करो बेटा, 8th चैप्टर में जब 8.2 एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, स्लोप। स्लोप के लिए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव करती हूँ बेटा, तो एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स, 9 का 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन में वाई आएगा। इसके अंदर आप पुट कर दो, एक्स की जगह रखो माइनस 1, वाई की जगह रखो 2√2, तो बेटा हमारे टेंजेंट का स्लोप 1/2√2 है, टेंजेंट का। अगर हमें नॉर्मल के स्लोप की जरूरत पड़ेगी तो इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव यानी -2√2 हो जाएगा। अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, ध्यान से सुनो, वाई माइनस वाई वन, तो 2√2 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2√2 इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 2√2 को उधर भेज के सोल्व कर लो, ये आएगा 2√2y माइनस में, ये बनेगा बेटा 8, 2 × 2 = 4 और √2 × √2 = 2 और इक्वल टू आ गया x प्लस में 1। यहाँ से देखो, x के माइनस में मैं ले आई 2√2y को और प्लस में आ गया 9 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। एक बार हम नॉर्मल की ओर लिख लेते हैं। देखो y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल जो -2√2 है इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस 2√2 जब अंदर भेजेंगे बेटा तो -2√2x और माइनस में 2√2 आएगा और वो हमारा कैंसिल हो गया। हम यूँ कह सकते हैं 2√2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल की। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो x और y वेरिएबल में है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी ओरिजिन से क्या होगी, पास होगी। फिर अगर हम बात बेटा सर्कल की करते हैं, तो सर्कल का सेंटर तो क्या है, 0 0, और रेडियस कितनी है, 3। तो हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखो 0 0 सेंटर के साथ 3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो सर्कल आपका ये बन जाएगा, यानी कि 3 रेडियस है तो ये क्या है, 3 0। अगर इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे -3 0, ये 0 3। अब बात आई बेटा टेंजेंट की। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों किस पॉइंट पे हैं, -1 2√2 पे। तो पहले तो आप ये देखो कि पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे एक्स तो -1 है और वाई 2√2, तो अब लगा लो वो पॉइंट हमारा यहाँ है -1 2√2, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट क्या होता है, इस पॉइंट से टच होती हुई जो स्ट्रेट लाइन है वही तो टेंजेंट होगी। तो ये है आपका टेंजेंट। अगर हमें बेटा यूँ पता लगाना हो कि टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया, तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर जाओ और वहाँ पे हम वाई को क्या रख सकते हैं, 0, क्योंकि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेटा जब तुम वाई को 0 रखोगे ना यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो एक्स की वैल्यू -9 आएगी, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये -9 0 है। अब हम नॉर्मल को ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। आपकी लाइन तो इस तरह से जाएगी, लेकिन ध्यान रखो वो लाइन ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी भी, ओरिजिन से पास होती है। क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है इस टाइप की जो लाइन की इक्वेशन होती है वो ओरिजिन से पास होंगी, तो ये है नॉर्मल की इक्वेशन। अब एक बार ध्यान से देखो, वो इस ट्रेंगल की बात कर रहा था बेटा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, नॉर्मल और टेंजेंट, ये तीनों मिलके ट्रेंगल को बनाएंगे, तो ये रीजन हमें चाहिए,
इसको मैं शेड कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, यहाँ तो यहाँ एक्स की वैल्यू -1 है। अगर हम अब देखो रीजन बनाने में सर्कल का कोई रोल नहीं है, मतलब फिलहाल अब हम जब मैं लिमिट लूँगी ना तब सर्कल का कोई रोल नहीं है, लेकिन सर्कल की हेल्प से ही हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, -9 से -1 तक इतने रीजन को बनाने में जो साइड यूज हो रही है ट्रेंगल की, वो साइड कौन है जो टेंजेंट था वो है, यानी कि -9 से -1 डी एक्स, वाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे, टेंजेंट में से। उसके बाद प्लस -1 से लेके, यहाँ तो ओरिजन है तो -1 से लेके 0 तक डी एक्स, वाई की वैल्यू, और ये जो ट्रेंगल की साइड है ये कहाँ से आई, नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया था उससे। अब कर दो सोल्व, -9 से -1 टेंजेंट में से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालती हूँ तो ये था टेंजेंट, तो वो आएगी आपकी 9 + x अपोन में 2√2 आएगी, साथ में लिख दो डी एक्स, -1 से 0 यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2√2x डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सिंपल है, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रखना चाहो रख सकते हो, और स्क्वेयर यूनिट की लिमिट लगा, स्क्वेयर यूनिट लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, एरिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो बेटा बीच में मैंने 5 या 6 क्वेश्चन आपके छुड़वाए थे, शुरुआत हो रहे थे बेटा वो 12th क्वेश्चन से, 12, 13, 14, 15 और एक 22 था इनइक्वलिटी वाले। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं, सुनो बेटा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। जैसे आप प्लस वन में 6th चैप्टर में जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे कोई भी लाइन है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब इक्वल टू नहीं, जैसे यहाँ लेस देन मिल जाता तुम्हें, ग्रेटर देन मिल जाता, तो पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, फिर टेबल बनाते थे, जैसे लगा लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाए। उसके बाद हम ये देखते थे कि इसकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, इसको बेटा ओरिजिन पे चेक करते थे, ये कह रहा है 0 < इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर हमारी डायरेक्शन किधर जाती थी, ओरिजिन की साइड, अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन से किधर जाती, अपोजिट। इस इनइक्वलिटी के अंदर उसका यूज है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि हम ये चेक नहीं कर पा रहे कि ओरिजिन पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो 2-3 बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। सुनो, जब एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई मिले, मैथ में नोट कर लेना, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई मिले, जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो इसकी तरह हम यहाँ इक्वल लेके ड्रॉ कर देंगे। जैसे हम यहाँ इक्वल लिखेंगे ये तो पैराबोला है, आपको याद क्या रखना है, अगर एक्स स्क्वेयर लेस देन वाई है तो हमें पैराबोला का इनसाइड वाला रीजन लेना पड़ेगा। इसके साथ 2 आया, इसके साथ 5 आया, इसके प्लस में 3 आया, उससे कोई लेना देना नहीं है, कॉन्स्टेंट आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो हम जो कॉमन रीजन लेंगे उसमें हमें पैराबोला का आउटसाइड रीजन लेना पड़ेगा। तीसरा, अगर वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू एक्स है तो हम पैराबोला का इनसाइड रीजन लेंगे, लेकिन अगर वाई स्क्वेयर ग्रेट देन इक्वल टू एक्स है तो हम पैराबोला का आउटसाइड रीजन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा बहुत, बस ये यही बात एक एक्स्ट्रा ऐड होगी, बाकी जो हमने पीछे पढ़ रहा है सारा सेम वही आएगा। ये तो बात होगी पैराबोला की। अगर बेटा यूँ लिख दिया जाए वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, या यूँ लिख दिया जाए एक्स ग्रेट देन इक्वल टू वाई, इन दोनों में हम एक ही बात करें, वाई एक्स से छोटा है या एक्स वाई से बड़ा है, तो ऐसे केस में हम वो रीजन लेंगे जो एक्स एक्सिस की साइड होगा, यानी कि इनमें से जिसको बड़ा बताया जा रहा है उसकी साइड वाला रीजन लेना है। अगर यूँ लिख दिया जाए एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, या यूँ कह दिया जाए वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, दोनों में एक ही बात कही जा रही है और बड़ा किसको बता रहा है, वाई को बता रहा है, तो हम वो रीजन लेंगे जो वाई एक्सिस की साइड होगा। अगर बात बेटा सर्कल की हो जाती है, आपको यूँ मिल जाए एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 मिले, तो बेटा सर्कल में तो आप जो प्लस वन में यूज करते थे वही कर लो, ओरिजिन पे इसको चेक करके देख लो। जब ओरिजिन पे चेक करोगे तो 0 < इक्वल टू क्या आएगा, 4, कंडीशन क्या है, ट्रू, यानी कि जैसे 0 0 सेंटर के साथ आपका ये सर्कल है तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब है सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो है वो अपनी डायरेक्शंस किधर देगी, ओरिजिन की साइड, कंडीशन ट्रू है तो ओरिजिन की साइड, अगर फॉल्स होगी तो ओरिजिन से क्या हो जाएगी, अपोजिट, ठीक है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। यूँ कहते हैं बेटा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बिल्कुल सिंपल है, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, ये दे रखा है।
जैसे नॉर्मली हम लोग कह देते हैं 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 7 से, तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना कि 2 लेस 5 से, 5 लेस 7 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई अलग से और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स अलग से, इनइक्वलिटी आपको दो मिली, एक को नाम दे दिया फर्स्ट, एक को नाम दे दिया सेकेंड। इस रिजल्ट का यूज लास्ट में डायग्राम बनाने के बाद जब कॉमन रीजन लेंगे ना तब करेंगे। हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या करो, इसको इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लो, चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो, हमेशा कैसा साइन लगा लो, इक्वल। ऐसा ही हम प्लस वन के 6th चैप्टर में भी करते थे। अब आप इस चीज़ को भूल के इस तरह से ट्रीट करो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमें पैराबोला का क्वेश्चन लाइन के साथ दिया गया, तो हम सोल्व कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। मैंने वाई की जगह एक्स पुट कर दिया फर्स्ट में, तो एक्स स्क्वेयर बराबर एक्स। मैंने कहा था आपको एक्स से एक्स कैंसिल नहीं करना, लेफ्ट साइड लाओ, एक्स को कॉमन लो, अंदर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो और वन। इसके अंदर जब एक्स को जीरो रखोगे तो वाई जीरो आएगा, एक्स को वन रखोगे तो वन आएगा। वैसे ही करें जैसे पीछे करे थे। इसके बाद इसके बारे में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई जो है वो अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा। अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स जीरो जीरो आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स को जीरो रखोगे, एक्स को जीरो रखोगे तो वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वाई इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट जीरो जीरो एंड वन वन। अब देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, जीरो जीरो वर्टेक्स के साथ मैंने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब बात आ रही है लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक तो था जीरो जीरो जो यहाँ होगा और एक वन वन अप्रोक्सीमेट ले लो आपका यहाँ आ जाएगा। इन दोनों से पास होती मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो पीछे उन क्वेश्चंस के अंदर तो वो लिख रहा था कि हमें बाउंड्री रीजन चाहिए, यहाँ पे उसने कुछ नहीं कर रखा, लेकिन इन कंडीशंस का यूज करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि हमें पैराबोला का इनसाइड रीजन लेना है, आउटसाइड लेना है, या कौन सा लेंगे। देखो बेटा इसमें कह रहा है एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई, तो हम पैराबोला का कौन सा रीजन लेंगे, इनसाइड वाला, यानी कि इस पूरे रीजन में से हम कोई भी ले सकते हैं अंदर वाला। फिर हमने इस लाइन को देखा वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स यानी कि बड़ा किसको बताया जा रहा है, एक्स को। तो ये लाइन जो है ना, लाइन ये अपनी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की साइड देगी। क्या बताया था मैंने, जिसको बड़ा बताया जाएगा उधर की साइड, तो एक्स एक्सिस की साइड तो लाइन की डायरेक्शन आई, पैराबोला की इनसाइड जा रही है, तो कॉमन आपका ये हो जाएगा। नॉर्मली तो हमें दिख रहा है अभी बाउंड्री रीजन यही है, लेकिन वजह के साथ अगर हम बात करें तो हमें ये रीजन निकालना है। अब ये पॉइंट तो है जीरो जीरो, ये पॉइंट है आपका वन वन, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वन है। अब देखो इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनना, अपर जो है वो लाइन है और लोअर जो है वो पैराबोला है, तो जीरो से वन बाकी सारा सेम है, बस इसकी हेल्प हमें रीजन डिसाइड करने में लेनी थी, वो ले चुके। जीरो से वन dx, y की वैल्यू लाइन, माइनस वाई की वैल्यू पैराबोला, वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करके क्या कर दो, सोल्व कर दो। आप देखो लाइन में से y की वैल्यू क्या है, x, और पैराबोला में से y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर। ये रख के आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। अगर हम टाइप की बात करें तो ये टाइप थी पैराबोला के साथ आपको क्या दी गई थी, लाइन। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट, ये करें एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हम वहाँ रीजन बनाएंगे जहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो सीधा सीधा आपको यूँ कहना चाह रहा है कि आपका रीजन कहाँ रहना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सुनो बेटा, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वन है, इसको मैंने कह दिया फर्स्ट। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, इसको मैंने कह दिया सेकेंड। जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन और x प्लस वाई इक्वल टू वन, अगर टाइप की बात करें तो पहचान लो सर्कल के साथ क्या है, लाइन, पिछली वीडियो में आपको करवाए थे। अब हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन में से मैंने y की वैल्यू उठाई और उस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह बेटा वन माइनस एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू वन। सोल्व करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में टू एक्स इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। टू एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो,
एक्स की वैल्यू एक तो आ गई 0 1 आई 1। यहाँ जो जब एक्स को 0 रखोगे तो वाई 1 आएगा और एक्स को 1 रखोगे तो वाई क्या आएगा 0। ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर इस सर्कल के बारे में लिखो बेटा, सर्कल का सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है 1। थोड़ा सा इस लाइन के बारे में लिख दो कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 1 एंड 1 0। यहाँ तक इस इनइक्वालिटी का कुछ यूज ही नहीं हुआ, बस लास्ट में डायग्राम बनाने के बाद कॉमन रीजन लेने के लिए इसका यूज करना है। देखो भाई डायग्राम बना रहे हैं, x x डैश y y डैश, 0 0 सेंटर के साथ मैंने 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें पॉइंट क्या चाहिए, एक तो 0 1, तो 0 1 तो यहाँ होगा, दूसरा 1 0। इन दोनों से हमारी लाइन क्या होती है, पास होती है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। देखो बेटा यहाँ दो रीजन है, दोनों ही बाउंडेड हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था, सर्कल के साथ जब लाइन का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर सकते हैं हम, तो वहाँ पर भी ऐसे दो रीजन बने थे, लेकिन उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा था कि हमें स्मॉलर रीजन निकालना है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हमें ये वाला रीजन चाहिए या ये वाला। सुनो बेटा, अगर आपको यूँ कहा जाए सर्कल की इनइक्वालिटी में जाओ और कंडीशन चेक करो ओरिजिन पे ट्रू है या फॉल्स, तो अगर तुम इसके अंदर 0 0 रखते हो तो आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 1 से लेस होता है। कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो कॉमन रीजन होगा वो सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, सर्कल के अंदर होगा, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है वो अपनी डायरेक्शन किधर दे रही है, ओरिजिन की साइड। अगर बात मैं इस लाइन की करूं, तो मैंने अभी जो पीछे रिजल्ट लिखवाए थे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप प्लस वन में चेक करते थे वैसे कर सकते हो। एक्स वाई को जब 0 रखोगे तो 0 को 1 से बड़ा बताया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो इस लाइन की डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट जाएंगी, तो आप देख सकते हो ये वो रीजन है जो सर्कल में तो था ही और लाइन की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये उसने लिखा नहीं कि स्मॉलर निकालो, हमने इस कंडीशंस के बेस पे किया कि हमें स्मॉल वाला निकालना है। यहाँ से अगर हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो 0 से 1 dx अपर कर्व कौन है, सर्कल, तो y की वैल्यू सर्कल माइनस y की वैल्यू लाइन, सर्कल आपके पास है, लाइन आपके पास है, वैल्यू निकाल के क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा 13 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, देखो क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया सर्कल, फिर लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस में वाई बाई 2, ये हो जाएगी आपकी लाइन, बिल्कुल सेम यही टाइप है। एक बार आप इतना उठा लेना सर्कल बनेगा, एक बार इतना उठा लेंगे लाइन, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के क्या करना है, सोल्व करना है। अब आप आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमें ध्यान से करना है। सुनो भाई, ये कह रहा है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस में 3, फिर कह रहे बेटा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x, 2x प्लस में 3 है, 2x प्लस 3, और यहाँ लिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। ध्यान से करना पड़ेगा आपको, सुनो भी बेटा, अगर हम इसको पढ़ें, हम इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पढ़ेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पढ़ेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इनमें से ये तो निकल के आ रहा है कि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, हमारा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। उसके बाद देखो मैं ये ले रही हूँ y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 3, फर्स्ट कह दो इसे, दूसरा y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस में 3, इसे सेकेंड कह दो, और तीसरा x लेस देन इक्वल टू 3, इसे थर्ड कह दो। बेटा इसके अंदर दो तो लाइन है और एक पैराबोला है, अब तक क्या था, एक पैराबोला के साथ लाइन थी, पैराबोला दे रखा है एक तो, और साथ में दो लाइन है, सोल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले इन सभी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 3, ये बनेगा y इक्वल टू 2x प्लस में 3, और ये है x इज इक्वल टू 3। अगर हम इस लाइन का पैराबोला के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें, मतलब फर्स्ट सेकंड को सोल्व करें, मैंने क्या किया, y की वैल्यू 2x प्लस 3 उठाई और उसको फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर के माइनस में 2x चला गया इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू बेटा एक तो आ गई 0 और एक आ गई हमारी 2। यहाँ ले आओ, क्योंकि इसी के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे थे। अगर एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 3 आएगा, अगर हम एक्स को 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। इस पैराबोला का और लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक तो आएगा बेटा 0 3 और एक आएगा 2 7। ठीक है, उसके बाद हम इस लाइन का भी अगर पैराबोला के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह अगर 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 प्लस 3 12, तो वाई कितना आ जाएगा 12। यानी कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 3 12 पे। उसके बाद डायग्राम बनाने के लिए जब हम पैराबोला को सोल्व करें तो बेटा यहाँ देखो, मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया वाई माइनस 3। पहले हमें टाइप पहचाननी है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो या तो होगा अपवर्ड या होगा डाउनवर्ड। अगर वाई के साथ प्लस का साइन है तो कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कहाँ ड्रॉ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम एक्स को क्या रख सकते हैं, 0। जब एक्स को 0 रखेंगे ना बेटा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3। यानी कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या है, 0 3। अगर इस लाइन की बात करें तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 जे स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 3 एंड 2 7। अगर इस लाइन की बात करें तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 जे स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरलर टू y एक्सिस, क्योंकि जो एक वेरिएबल में होती है वो हमेशा एक्सिस के क्या होती हैं, पैरलर। देखो बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। पैराबोला ड्रॉ करेंगे 0 3 वर्टेक्स के साथ, सॉरी बेटा ये 0 3 वर्टेक्स के साथ अपवर्ड पैराबोला, ये तो 3 0 था। 0 3 वर्टेक्स के साथ हमने अपर पैराबोला ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन 0 3 और 2 7 पे पैराबोला को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, तो 0 3 तो यही हो जाएगा और 2 7 अगर लेंगे तो x 2 y 7, लगा लो आपका पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये है 2 7। इन दोनों पॉइंटों से पास होती लाइन आपकी ये चली जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम आपका थोड़ा ही हो। अब देखो भी, अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर x 2 है तो x इज इक्वल टू 3 हमारा थोड़ा और आगे हो जाएगा। क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 3 यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी जो आगे जाके यूँ पैराबोला पे कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट हमने निकाला था जब x हमारा 3 है तो y कितना हो जाएगा, 12। यानी कि ये 3 12 है। ठीक है, अब देखो बेटा, रीजन तो ये भी है, रीजन ये भी है, रीजन ये भी है, हमें देखना भी हमें लेना कौन सा है। ध्यान से सुनो, अगर इसकी कंडीशन हम चेक करें प्लस वन वाले मेथड से ही, तुम एक्स और वाई को अगर 0 रखते हो तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 आता है, और 0 3 से लेस होता है तो कंडीशन क्या है, ट्रू। और ये इक्वेशन किसकी थी, पैराबोला की। ट्रू होने का मतलब है ये जो पैराबोला है ना, ये अपनी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड देगा इधर ऐसे, यानी कि कॉमन रीजन ये तो नहीं हो सकता, इसने पैराबोला ने अपनी डायरेक्शन इधर दे दी। अब देखो, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, इसकी कंडीशन चेक करें तो वहाँ से भी हमें क्या मिला, 0 लेस इक्वल टू 3, यानी कि इस लाइन की डायरेक्शन भी ओरिजिन की साइड ही आएंगी। अब हम इसको और चेक कर लेते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, अगर एक्स को 0 रखोगे तो 0 लेस देन 3 आया, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिन की साइड आएंगी। ध्यान सुनना, मैं शेड कर रही हूँ, हमारा जो कॉमन रीजन है ना वो ये होगा। ऐसा ही सेम आपको एक एग्जांपल मिलेगा, शायद 6th एग्जांपल है ये, आप इसको शेड मत कर देना भाई, क्योंकि इसने कहा था पैराबोला का आउटसाइड, पैराबोला ने अपनी डायरेक्शन ओरिजिन साइड दी थी। अगर बेटा मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो 2 है, बात हो रही है लिमिट की, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो कैसे निकालेंगे। सुनो, 0 से लेकर 2 तक गए, इस पूरे रीजन को बनाने में बाउंड्री जो यूज हो रही है वो पैराबोला की हो रही है, चाहे आउटसाइड ही क्यों ना बनाया हो, तो क्या लिखेंगे, dx y की वैल्यू पैराबोला प्लस 2 से लेके यहाँ हमारा x कितना है, 3। 2 से 3 इस रीजन को बाउंड करने में इस लाइन की बाउंड्री यूज हो रही है, कौन सी वाली की, y इक्वल टू 2x प्लस 3 की, तो यह आएगा dx y की वैल्यू लाइन में से। ठीक है, ये आएगा, कोई डबल वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे 0 से 2 है तो पैराबोला में से y की वैल्यू है बेटा x स्क्वायर प्लस में 3 dx, प्लस में 2 से 3
लाइन में से y की वैल्यू है 2x प्लस में 3, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे, स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14th। अब देखो 15th के तीनों पार्ट के अंदर सर्कल के साथ पैराबोला का क्वेश्चन दे रखा है। तीनों पार्ट में सर्कल के साथ क्या है, पैराबोला। जैसे आपको बताया सारे के सारे सेम वैसे ही हैं, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, एक्स वाई सच दैट। ये लिख रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वेयर लेस देन 2y। देखो बेटा, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 8, इसे कह दो फर्स्ट इक्वेशन, और एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 2y, इसे कह दो सेकेंड। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वेयर बराबर 2y। हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर की जगह 2y रख दो यहाँ पे, तो 2y प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8, यहाँ से वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस का 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लिया तो वाई प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 4। वाई की बेटा यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 और एक माइनस 4। यहाँ ले आओ, जब वाई को 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 4 के, तो एक्स आएगा प्लस माइनस 2, यानी एक तो पॉइंट बनेगा 2 2 और दूसरा पॉइंट बनेगा माइनस 2 2। जब हम वाई की जगह माइनस 4 लेंगे तो बेटा माइनस 4 रखने से एक्स स्क्वेयर माइनस 8 के बराबर आएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू रूट माइनस 8 आएगी, जो वैल्यू रियल नहीं होगी। नहीं होगी तो वाई इक्वल टू माइनस 4 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास पॉइंट तो आ गए। अगर हम इस सर्कल की बात करें तो बेटा सेंटर क्या है, 0 0, और अगर रेडियस की बात करें तो रूट 8, जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अगर पैराबोला की बात करें तो कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, और अगर इसका वर्टेक्स लें तो आप निकाल के देख लो, एक्स को 0 रखोगे तो वाई भी क्या आएगा, 0, तो वर्टेक्स क्या है, 0 0। देखो बेटा डायग्राम बना रहे हैं, 0 0 सेंटर के साथ 2√2 रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट 2√2 0 है। अगर बात पैराबोला की है तो 0 0 वर्टेक्स के साथ अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो हम निकाल चुके, एक तो क्या है बेटा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 2 और दूसरा क्या है -2 2। लेकिन अब देखो उसने स्मॉलर ऐसा कुछ नहीं कर रखा, ये रीजन निकालना है ये निकालना है, तो हम अपना चेक करेंगे। बेटा तुम इसके अंदर अगर कंडीशन चेक करते हो, x और y को 0 0 रखते हो तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 आया, और 0 8 से लेस होते तो कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू होने का मतलब है सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो है वो अपनी डायरेक्शन किधर देगी, ओरिजिन की साइड, यानी कि रीजन जो भी होगा सर्कल के अंदर का होगा। बात आई अब पैराबोला की, इसको देखो, जब एक्स स्क्वेयर को लेस देन इक्वल टू वाई बताया था आपको, यहाँ पे लिखवाया था मैंने, तो हमें पैराबोला का इनसाइड रीजन लेना पड़ेगा, यानी कि क्लियर हो गया, वो रीजन जो सर्कल के अंदर हो और पैराबोला का भी इंटीरियर हो, इनसाइड हो, तो हमें ये निकालना है। यहाँ लिख लो, यहाँ पर हमारा एक्स तो है बेटा -2 और यहाँ पर हमारा एक्स कितना है 2। अपर कर्व का काम कौन कर रहा है, सर्कल, और लोअर का काम कौन कर रहा है, पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, -2 से 2 dx, वाई की वैल्यू सर्कल माइनस वाई की वैल्यू पैराबोला। वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन करके सोल्व कर देंगे, स्क्वेयर यूनिट लगाना, क्योंकि ये क्या है, एरिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। जैसे ऐसा ये क्वेश्चन और भी था आपका 22, वो और सुन लो 22। ये कह रहा है एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 5x, सेम टाइप है, पैराबोला दे दिया, और भाई 5x स्क्वेयर प्लस में 5y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 36, सर्कल दे दिया। वही सर्कल का क्वेश्चन किसके साथ है, पैराबोला के साथ है, कहते हैं फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो हमने ले लिया फर्स्ट
वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वाई इक्वल टू फाइव एक्स फर्स्ट। सेकेंड भाई, फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव वाई स्क्वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप पहचान सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये इलिप्स है या फिर सर्कल है। आपको बता रखा है अगर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कोफिशियंट सेम है तो है सर्कल, वरना क्या होगा, इलिप्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से फाइव कॉमन लो और उसको राइट साइड में भेज दो। सबसे पहले क्या करना, आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, वाई स्क्वेयर की वैल्यू उठाई फाइव एक्स और सेकेंड में पुट कर दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में फाइव एक्स इक्वल टू 36 बाई फाइव है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस में 25x माइनस 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। फैक्टर करेंगे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा। जब इस पैराबोला के बारे में लिखेंगे तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स निकाल लो क्या आएगा, जीरो जीरो, क्योंकि राइट हैंड पैराबोला x एक्सिस के अलोंग बनता है। x एक्सिस पे y को जीरो रखेंगे, y को जीरो रखेंगे तो x भी क्या आ जाएगा, जीरो। अगर बेटा सर्कल के बारे में लिखना चाह रहे हो यहाँ से उठाना, तो इसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो, और रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, सिक्स अपॉन में रूट फाइव। कोई पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज रख लेना। अगर बात डायग्राम की आती है तो जीरो जीरो सेंटर के साथ, देखो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जीरो जीरो सेंटर के साथ हम सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी रेडियस कितनी थी, सिक्स बाई रूट फाइव, तो सिक्स बाई रूट फाइव जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा। अब जीरो जीरो वर्टेक्स का राइट पैराबोला ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल नहीं मैंने, आप निकाल सकते हो ये पॉइंट रख देना। अब बात आती है भाई रीजन, हमें ये वाला लेना है ये वाला लेना है, तो अपने कंडीशन चेक करके देख लो। वाई स्क्वेयर को जब एक्स से लेस बताया था तो पैराबोला का इंटीरियर रीजन लेना है, इनसाइड लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट वगैरह आता है, यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट आता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात सर्कल की करें तो सर्कल की कंडीशन चेक कर लो, ये है बेटा सर्कल की इक्वेशन, यहाँ ले आओ यहाँ ले आओ, एक्स वाई को जीरो हो तो जीरो को 36 से लेस बताया जा रहा, कंडीशन ट्रू है तो रीजन सर्कल के अंदर का आएगा, तो होगा क्लियर। पैराबोला का था इनसाइड और सर्कल का भी इनसाइड, हमें ये रीजन निकालना है। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमारे पास था ही, सोल्व कर लेना आप, ये जीरो से लेके यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो पैराबोला की यूज हो रही है, और यहाँ से लेके सिक्स रूट फाइव तक की बाउंड्री कौन सी है, सर्कल की है, और उस पूरे का क्या करेंगे, डबल। तो अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है उसका सिर्फ लास्ट में यूज है, रीजन को कॉमन निकालते टाइम कि हमारा जो रीजन है वो कॉमन कौन सा होगा, बाकी सारा लिमिट सेम, इंटीग्रेशन सेम, सारा का सारा आपको बिल्कुल सेम करना है। ये थी बेटा आपकी 10.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसके साथ ही आपका 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 11th चैप्टर।